यार यहाँ पे मानो दी अपनी फोटोशूट पे लग रही है भाई। चप्पल 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 शुड बी लाइक लिच लाइट्स। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। तो फाइनली अभी हो रहा है रात के, कितना बज रहे हैं, 4 बजने वाले हैं। और मैं फिलहाल उठाऊँ 3:30 बजे, अभी नहा धो के अभी जा कि मैं फ्रेश होके उठाऊं, क्योंकि बिना नहाए तो ब्लॉग शुरू करना ठीक नहीं है ना। तो फिलहाल मैं नहा के रेडी हो चुका हूं और ये रहा आज का लुक। तो फिलहाल अभी निकलते सीधा फटाफट बोइत बंधन करने के लिए सीधा नदी को। और ऑलरेडी मम्मी भी उठ गई थी, कितने 2:30 बज के उठ गई थी, क्योंकि मैं सोया था 1:30 बजे, मम्मी सो गई थी कि 1 बजे सो गए थे मेरे से आधे घंटे पहले। तो अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि मम्मी ऑलरेडी घर पे पूजा कंप्लीट कर चुकी है और रंगोलियाँ भी कंप्लीट कर चुकी है। तो अभी फटाफट करने के लिए अभी फटाफट निकलते हैं नदी को, मम्मी मैं और हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के उनकी बेटी, हम तीनों निकलते हैं सीधा नदी को। तो नदी से हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि सुबह के 5 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि जो कि मैं बोला था आपको आज चंद्र ग्रहण है, इसलिए मंदिर बंद हो जाएगा। तो फिलहाल अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि 4 बज गए और 1 घंटे ही हमारे पास है। तो फटाफट निकलते हैं, सीधा मिलता हूँ नदी के पास, चलो फटाफट अभी निकलते हैं। A few minutes later. So, फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, ये हमारा आ गया नाव मिनी और सामने मानो दी, ये रहा मैं और पीछे मम्मी। और ये कुछ डेकोरेशन हुआ है नदी को जाने के लिए, लाइट वगैरह सब कुछ बहुत सारी जगह पे लगा है। और सामने बहुत सारे लोग भी नदी पे अपनी बोइत बंधन कर रहे हैं। अभी फिलहाल मम्मी फिलहाल आ रही है और हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे 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 नीचे। फोटो शूट बी लाइक लिच लाइट्स। चलो जी, चप्पल ए भाई, चप्पल 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 किचन में चप्पल भाई, गजब वाला व्यक्ति। और ये देखो बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, और सामने भी बहुत सारे बहुत बंधन कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग की बारी, हम करेंगे अभी, चलो। और सामने बहुत बड़ा नाव, मम्मी अभी अपनी पूजा कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे यार यहाँ पे मानो दी अपनी फोटोशूट पे लग रही है। कौन सा भूल गए लड़की तो हाँ वो तो सही बात है, वही ठंडे ठंडे पानी पे। ये मेरा सेकंड नाव, गाना मैं घर पे बोल दूंगा, घर पे गाना मैं भूल चुका। और ये हमारा दो नाव जा रही है अभी पानी पे। चलो जी, तो गाइस तो फाइनल हमारा बोइत बंधन ऑलरेडी हो चुका है नदी को कंप्लीट। अभी जा रहे हैं सीधा मंदिर, क्योंकि 5 बजे मंदिर बंद हो जाएगा क्योंकि ग्रहण लग रहा है चंद्र ग्रहण। और अभी फटाफट हम तीनों जाएंगे जूपी पे, आज जूपी की बैंड बजने वाली है। हाँ, जूपी की बैंड बजने वाली है। तो अभी फटाफट यहाँ से निकलते सीधा आप सबको मिलता जाएगा मंदिर, तो चलो। अभी दिया लगाएंगे हम लोग, Yeah.
फिलहाल यहाँ पे खीरे की सेवा चल रही है, खीर का हमारे लिए एक दे दो। अब भाई खीर आ गया नहीं जी, आड़े चलो 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 चलो। तो अभी हम लोग हैं हनुमान टेम्पल पे गांव के, ये रहे हनुमान जी। तो आट दो एंड हम लोग अभी आ चुके हैं महादेव टेम्पल गांव के, और अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली टोटल आज करते अपने जो कि मंदिर हम लोग का जाना और वही तो बंदना हो चुका है कंप्लीट। तो फिलहाल अभी निकलते हैं मंदिर, और ये आगे बेल के पत्ता जो कि खाने वाले हम लोग, क्योंकि महादेव जी का प्रसाद है ये। और ये फिलहाल देखो पीछे गांव का विलेज का मंदिर, लेट्स सी। सो यहाँ से भी फटाफट निकलते हैं, सीधा मिलता है सभी को घर पे जाके, और वहाँ पे स्टोरी जाके बताता हूँ आपको। फिलहाल और एक प्रसाद हम लोग ले रहे हैं कच्चा। फाइनली ये आ गया हमारा प्रसाद, और ये रहा सामने महादेव मंदिर के पीछे ये बने हैं कार्तिक भगवान जी के प्रतिबिंब जो कि यहाँ पे बनाया गया है। तो अभी फिलहाल सीधा निकलते हैं घर को, घर पे जाके आपको जाके आप सभी से बात करता हूँ फटाफट। तो फाइनली स्टो में एक्चुअली मैं आके सो गया था गाइस, क्योंकि नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, क्योंकि नींद मेरा खत्म ही नहीं हुआ था। तो अभी फिलहाल उठा हुआ एक्चुअली एक घंटे के ऊपर में सो गया था। अभी फिलहाल हो रहे सुबह के 6:30 बज रहे हैं, ये देखो पीछे टाइम सुबह के 6:30 बज रहे हैं एक्चुअली। और फिलहाल आपको बताया तो हम लोग उड़ीसा पे कार्तिक पूर्णिमा मतलब बोहित बंधन क्यों करते हैं। तो फिलहाल आज है पूर्णिमा जो कि कार्तिक पूर्णिमा जो कि कार्तिक भगवान जी का आज पूजा है। दूसरी बात, हम लोग उड़ीसा वासी बोहित बंधन क्यों करते हैं, उससे पहले और एक बात बता देता हूँ। एक महीने तक, आज से पहले एक महीने तक उड़ीसा वासी हर कोई उड़िया लोग जो कि उधर ओनियन गार्लिक खा के रहते हैं, क्योंकि मानते जो कि ये जो कि महीना है कार्तिक महीना है, इसलिए हम लोग इधर ओनियन गार्लिक खा के ही रहते। और दूसरी बात, हम लोग जैसे कि आपको बता, बोहित बंधन में आपको बता दूं बोहित बंधन क्यों करते हैं। बोहित बंधन इसलिए करते हैं जब हमारी ओडिशा पे साधु जो कि साधव लोग थे, वो मतलब भी लोग थे, आपको बताया था मतलब गाँव के जैसे मुरे भी होते वैसे ही। तो साधव जो थे वो ओडिशा के चीज लेके बाहर जाते थे, मतलब वही जो हमारी कटक पे नदी है वहाँ पे या फिर समुद्र पे, मेरे को ये सब कुछ पता नहीं, लेकिन जो पता है मैं आपको बताता हूँ। साधु को ओडिशा की चीज़ लेते थे बाहर को बेचने के लिए, और बाहर की चीज़ लाते थे ओडिशा को बेचने के लिए, जो कि व्यापार टाइप का काम करते थे उस टाइम पे, इसीलिए बोहित बंधन किया जाता है। और जब वो लोग जाते थे, जो जहाज पे जाते थे, नौका पे जाते थे, दूसरे देश को जाते थे, उस टाइम पे उनकी पत्नियां मतलब उनके घर वाले शंख वगैरह फूंक के उसके बाद पूजा वगैरह करके उनको विदाई देते थे, क्योंकि वो सेफ ले जाए और सेफ ले आए। वैसे ही हम लोग हर साल ऐसे ही पूजा करते हैं और बोहित बंधन करते हैं। और दूसरी बात, बोहित बंधन का और एक गाना भी है ओडिया पे, वो गाना मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं उस टाइम पे गाना भूल गया था, मैं गाना एक्चुअली देखा गाना क्या था, आका बोई पानोगुआ थोई पानोगुआ तोरो मसो धर्म मोरो, वही था गाना। ठीक है, तो ये था टोटल आज का कार्तिक पूर्णिमा वाला ब्लॉग, बोहित बंधन वाला ब्लॉग। तो ब्लॉग अच्छा था कमेंट करके जरूर बताना, और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को थोड़ा शेयर कर देना। फाइनली हमारा चैनल 559 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके, 560 करवा दो, जल्द से जल्द 1K करा दो। 1K करने के बाद भाई लोग आपको बता नहीं सकता, मैं आपको क्या बताऊँ यार, 1K होने के बाद मैं कुछ ना कुछ गिव अवे करूंगा, मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिलहाल ये रहा हमारा इंस्टाग्राम का ID, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, और चैनल को जल्द से जल्द 1K करवा दीजिए। तो मिलते हैं हम सभी और एक न्यू और फ्रेश वाला ब्लॉग के, मतलब बाली यात्रा ब्लॉग भी आ रहा है एक्चुअली। हाँ हम भूल गया था एक्चुअली, बाली यात्रा फिलहाल आज से स्टार्ट हो रहा है जो कटक में 7 दिन तक ये फेस्टिवल होगा।
तो फुल मस्ती वाला ब्लॉग भी आने वाला है आप लोग के लिए। तो फिलहाल ये ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, ब्लॉग के साथ कमेंट करके जरूर बताना और आपके फ्रेंड्स फैमिली को थोड़ा शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं हम सभी और एक न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद और थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।